तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पेटीएम ग्राहक के लिए आ गई खुशखबरी। पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहक को राहत, अब 15 मार्च तक प्रतिबंध पर लग गया है छूट। राजस्थान में भजन लाल सरकार का बड़ा ऐलान, 65 आईपीएस के तबादले हुए, 39 जिलों के एसपी भी बदले गए। ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ी खबर, वकील ने किया हवाला देते हुए हुए मांगी अगली तारीख, कोर्ट ने लगा दिया वकील के ऊपर जुर्माना। शेयर बाजार में आया उछाल, सेंसेक्स 376 अंक के तेजी के साथ 72,426 पर बंद, निफ्टी भी 129 अंक चढ़ा, स्पाइस जेट का शेयर 11% रहा तेजी। आरबीआई ने पेटीएम बैंक का डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाया, इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, वॉलेट और फास्टैग पर भी रहेगा प्रतिबंध। 2100 तक चीन की जनसंख्या घटकर हो जाएगी 80 करोड़, चीन की घटती आबादी से वैश्विक मंदी की आशंका। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, राजद कोटे वाले विभाग की होगी जांच, पूर्व के आदेश पर लग गई है रोक। ओला स्कूटी खरीदने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, ओला कंपनी S1 मॉडल पर दे रही है 25,000 रुपया तक का छूट। किसान आंदोलन के कारण नहीं रद्द होगा CBSE का एग्जाम, वायरल हो रहा है फर्जी खबर। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल, दुकान बंद, बस ट्रेन भी रोकी गई, भारत बंद का दिखा असर, कई राज्यों में ट्रेन भी रही सुस्त। बिहार में आज से 2 दिनों की हड़ताल, हिट एंड रन कानून का विरोध में बस ड्राइवर चालक फिर उतरे सड़कों पर, किया चक्का जाम। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, पंजाब समेत 8 राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। शंभू बॉर्डर पर GRP सब इंस्पेक्टर की मौत, आंसू गैस के कारण दम घुटने से हो गया मृत्यु, गैस के कारण हुआ है इस तरह का घटना। मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव को जमकर सुनाई खरी खोटी। केजरीवाल ने अलीपुर अग्निकांड के मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपया देने का मुआवजा का कर दिया ऐलान। औद्योगिक गिरी जापान की अर्थव्यवस्था, भीषण आर्थिक मंदी में फंसा, तीसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज भी छीना। हैदराबाद के स्कूल में LKG के लिए 3.5 लाख रुपया का जारी हुआ फीस, परिजनों ने जताई चिंता। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास है अपूत संपत्ति, 37 गाड़ी के है मालिक, बैंक बैलेंस जानकर आप रह जाएंगे हैरान। इंडिया गठबंधन पर जीताराम मांझी का कटाक्ष, कहा बेरोजगार हो गए हैं विपक्ष के नेता। किडनी रोग के पीड़ित मरीज को मिली राहत, पारस HEC अस्पताल में किडनी फेल मरीज का हुआ सफल इलाज। इजराइल के हवाई हमलों में 3 हिजबुल्ला के कमांडर मारे गए, लेबनानी नागरिक की भी गई जान। उड़ान फेम के एक्ट्रेस कविता चौधरी का 67 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से हुआ मृत्यु। माफी मांग लो, कहो दोबारा ऐसा नहीं होगा, शर्त रखकर इमरान खान को पाक सेना ने दिया PM बनने का ऑफर। हल्द्वानी में हिंसा के बाद मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक, भूलभुंतापुर में हिंसा में 90 दिन भी लगा कर्फ्यू में ढील। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब बेटी को मिलेगा 25,000 रुपया। PM मोदी की खाड़ी देश की यात्रा संपन्न, 8 भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अमीर को दिया धन्यवाद। इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। सरकारी नौकरी ढूंढने वालों की मौज, रेलवे में निकली है 9,000 पदों पर भर्ती, इसके लिए indianrailway.gov.in में जाकर कर सकते हैं आवेदन। यूपी के बुंदेलखंड में महोत्सव में विस्फोट, 4 छात्र की मृत्यु, आतिशबाजी के लिए रखे हुए बमों में हुआ ब्लास्ट। 16 फरवरी को रहा भारत बंद, देश भर में कारोबार नहीं रहेगा बंद, किसानों का बड़ा फैसला।
किसान आंदोलन का असर, रेलवे ट्रैक जाम होने से होगा नुकसान, दवाई समेत कई चीजें हो सकती है महंगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड हो गई है पूरी, आज भेजे गए हैं उनको जेल। नियोजित शिक्षक को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, समझता परीक्षा अब ऑफलाइन होगा। अमेरिका में नहीं थम रहे भारतीय पर हमले, भारतीय मूल के एक और शख्स की गोली मारकर हो गई है हत्या। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की डील पक्की, चिराग और पारस भी हो गए हैं इसमें शामिल। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन में शंकर महादेवन ने गाया भक्ति गीत, वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर दिखी बसंत उत्सव की रंगन, गंगा जमुनी तहजीब की 800 साल पुरानी परंपरा की तस्वीरें वायरल। बद्रीनाथ जाने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, कल से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। एयरफोर्स नेवी के खजीरे में शामिल होगा खूंखार ड्रोन, दुश्मनों के छूटेंगे छक्के। सीटेट यूपी टेट, बदलेंगे शिक्षक योग्यता के नियम, 9वीं से 12वीं के लिए भी टीईटी लागू करने की तैयारी में है एनसीटीई। पांचों इंजीनियरिंग स्टूडेंट ठगी में गर्लफ्रेंड भी शामिल, श्रम विभाग को लगाया 1 करोड़ का चूना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम सूर्य उजाला योजना, बिजली से मिलेगा मुक्ति, लॉन्च हो गई है मोदी सरकार की स्कीम, 300 यूनिट मिलेगा बिजली। कालकी धाम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, 19 को संभले तो 22 फरवरी को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रतीक भूषण के यूपी कुश्ती संघ अध्यक्ष बनने पर पहलवानों का अल्टीमेटम, नाराज है साक्षी और बजरंग पुनिया। विधानसभा में लालू और नीतीश का आमना सामना, पाला बदलने के बाद हुई पहली बार मुलाकात। हमास जंग के बीच दूसरे मोर्चे पर भी लड़ रहा इजराइल, हिजबुल्ला ने दागे रॉकेट, आईडीएफ ने किया पलटवार। फरवरी महीना में 5 दिन लगातार बैंक रहेगा बंद, बैंक ने जारी किया हॉलीडे लिस्ट, इसी बीच 14, 15, 18, 19 और 20 फरवरी को रहेगा बैंक बंद। गरीबों के लिए आया नया पोको का मोबाइल 5G फोन, सिर्फ मिलेगा 9,999 रुपया में, मॉडल नाम है पोको C65 फोन। पाकिस्तानी रेंजर ने बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकी पर किया हमला, बेवजह बरसाई गोलियां, जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। डिलीवरी के चंद दिन बाद दिया था एग्जाम, तमिलनाडु में आदिवासी महिला बन गई है सिविल जज। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का हुआ ऐलान, बसंत पंचमी पर 3 महीने के बाद के तारीख का हो गया है घोषणा। इजराइल, यूक्रेन और ताइवान को अमेरिका की मदद, रास्ता साफ, सीनेट ने $95 अरब पैकेज पर लगा दिया मोहर। यूएई में गूंजा है भारत माता की जय का नारा, तस्वीर में देखे कैसे मुस्लिम देश ने पीएम मोदी का किया स्वागत, यूएई में राम मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पूर्व विधायक अरविंद सिंह भाजपा में शामिल, बाबूलाल मरांडी बोले हेमंत के गलत कार्यों को ना दोहराए चंपाई सोरेन। मराठा आंदोलन के सचिव मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, नाक से निकला खून, अस्पताल में किया गया भर्ती। पुतिन ने जंग रोकी तो उनकी हो जाएगी हत्या, एलन मस्क ने किया बड़ा दावा। बिलासपुर में गर्भवतियों के साथ अब सभी मरीज की सोनोग्राफी, एक्सरे व ईसीजी जांच होगा निशुल्क। भारतीय सैनिक की रिहाई में मेरा कोई योगदान नहीं, पूरा श्रेय भारत सरकार को जाता है, शाहरुख खान ने दिया बड़ा बयान। बीपीएल लीग में आंखों की रोशनी की समस्या से जूझ रहे शाकिब अल हसन ने मचाया धमाल, जड़ दिया टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक। कुर्ता पजामा और सदरी, इस खास ड्रेस में नजर आएंगे भारतीय नौसेना, ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड हुआ लागू। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कल से हो गया है शुरू, आज से नया गाइडलाइन हो गया जारी, परीक्षा सेंटर में ड्रेस पहनकर आना हो जाएगा अनिवार्य।